गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अच्छा, आप में जो मतलब आपके जहन में हो तो कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं जो है आपके लिए क्या चीज़ मतलब काम करूं, क्योंकि मेरे जो है ना तकरीबन मैं वाटर कलर भी करता हूं, ऑयल भी करता हूं, पेंसिल करता हूं, ड्राइंग्स, बॉल पॉइंट और चारकोल, कलर पेंसिल, एक्रेलिक और कलर पेंसिल। तो आप जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहें मुझसे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको वीडियो के ज़रिए आपको बता दूँ। तो मैं ऑनलाइन आपको क्लासेस में ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरा नया चैनल है ना, तो ऑनलाइन के लिए जो है ना कम से कम मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना ज़्यादा। तो फिर यूट्यूब की एक पॉलिसी है उस पर मतलब मैं फिर ऑनलाइन आ सकता हूँ। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मुझे परमिशन मिलेगी ऑनलाइन आने। तो अभी आप गुजारा करें इस पर जो मतलब मैं आपके लिए इतना भी कर रहा हूँ तो इसको गनीमत समझें। तो आपने बिल्कुल मतलब हल्के हाथ से इसको वो करना है, दबाव नहीं डालना इस पर। ये जो मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आम पेपर है जो आपको बाज़ार से मिल जाता है आसानी से, ये आम पेपर है, मैंने दराज से ऑनलाइन मंगाए थे 2 शीटें, तो ये शीट की यही साइज है। तो ड्राइंग के लिए, रफ ड्राइंग के लिए, दूसरे पर्पस के लिए ये यूज होता है, आर्ट में आप इसको रफ यूज भी कर सकते हैं। तो ये किसी काम आ जाए तो ये मतलब जाया नहीं होता, किसी न किसी काम आ जाता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और वीडियोस भी हैं वो भी वॉच करें आप, तो आप वॉच करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, अगर पसंद ना आए तो आप न करना। मैं आप पे ये दबाव नहीं डालूंगा कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे ही देख सकते हैं बगैर सब्सक्राइब किए। तो मेरा तो मिशन यही है कि बस मैं ना, मेरा घर छोटा सा है ना, मैं इसमें क्लासेस ले सकता हूँ तो जगह नहीं है मेरे पास, और बाकी टाइम का भी थोड़ा मसला होता है। तो मैंने सोचा कि ये कोई ना कोई वीडियो जो है इसमें डाल दूंगा, किसी का फायदा तो होगा। तो ये आप देखें ना कि पहले मैंने लाइट काम किया, उसके ऊपर मैं इसको जहाँ जहाँ पे डार्क हो रहा वहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, और ये मिक्सिंग भी हो रही है साथ साथ। ये मैं इसके बाद आपको मैं वो ब्लेंडिंग का जो शेड को मिक्स करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में यही है कि जो बिगिनर्स होता है ना, अगर मैं उसको ज़्यादा बता दूं बातें तो हो सकता है वो उसको एक भी याद ना हो,
तो मैं आप पे बोझ भी नहीं डालना चाहता ज़्यादा करके काम करके, तो आप अच्छा आप जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप तो मेरा तरीका सही लग रहा कि नहीं लग रहा, क्योंकि डाउट होता है बंदे हर बंदे के जहन में होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो तरीका आप कहेंगे मैं उस तरीके से आपको बताऊँगा, बात मैं सिखा तो नहीं सकता लेकिन ये है कि मैं आपको एक वे बता दूँगा एक कि आपने काम कैसे करना है। बाकी इंसान की अपनी मेहनत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे। बस मैं सिर्फ वो जो कुछ कवायद और जवाबें होते हैं सीखने के लिए मैं तो वही बता सकता हूँ आपको। मैं ये पहली दफ़ा आपसे बातें कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, तो मुझे जो है ना आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दिए दीजिएगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ या खामियाँ होती हैं हर इंसान मुझ में भी बहुत खामियाँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगा आपसे, मुझे जो कुछ भी आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैंने नया नया अपना चैनल बनाया, मेरा छोटा सा स्टूडियो है यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, सामान ज़्यादा है, ये असल में पहले स्टोर था तो इसमें सामान भरा पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं काम कैसे करूँगा कहाँ पे करूँगा, तो फिर मैंने सोचा तो वो जो सामान था मैंने रैक बना के मैंने उस पर रख दिया, सारा पेटियाँ थी और ब्रीफकेस थे और मतलब घर का जो ज़रूरी सामान होता है, तो ये नीचे मैंने फिर ये बैठने के लिए छोटा सा कारपेट लगा दिया, एक अलमारी है साइड पे इस पर मैंने अपना सामान रख लिया, तो बस शुक्र है अल्लाह की ज़ात का मेरा काम करने की जगह बन गई। तो यही होता है छोटी हो जगह या बड़ी हो आपने काम तो करना है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, हाँ अगर आपका मूड ना हो तो आप काम ना करें, इसकी वजह यही है कि जब आपका मूड ना हो किसी काम के लिए तो वो काम बजाय सही होने के वो बिगड़ जाता है, तो मैं मेरा मूड नहीं होता काम करने का, मैं पता नहीं कितने कितने दिन मैं काम नहीं करता, क्योंकि ख़तरा यही होता है कि काम करने का फ़ायदा नहीं है, वो काम जो है वो बजाय ठीक होने के वो ख़राब हो जाता है, तो मेरी भी यही आपसे गुजारिश है कि आपका जब मूड ना हो काम करने का तो आप हरगिज़ काम ना करें।
लेकिन जब मैं रेस्ट के बाद फिर काम करता हूँ 2-4 दिन के बाद, तो वो काम इंतहाई खूबसूरत होता है, मतलब कि मेरी सोच से भी आगे होता है। ब्लेंडिंग के लिए आप नरम ब्रश भी यूज कर सकते हैं। और कोशिश तो यही है कि मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ उसके वीडियो के लिए, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, मतलब वीडियो की क्वालिटी और फोटो क्वालिटी ये जबरदस्त है। तो मतलब रात को जो है अच्छे अच्छे मोबाइल जो है वो सही काम करते हैं। ये ब्लेंडिंग भी अगर आपने जोर दिया तो वो फिर निशान बन जाता है, तो आपके शेड में थोड़ा मसला होगा, वो एक धब्बा सा नजर आता है उस जगह पर। अच्छा लगता है ऐसे कि वीडियो लंबी हो रही है, आपका शुक्रिया कि आप ये देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी जो आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और इब्तदा मतलब उन्होंने अभी तक नहीं की, तो ये उनके लिए भी बहुत सूदमंद होगी इंशाल्लाह।
दोस्तों आज के लिए ये बहुत था मेरे ख्याल में, इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।